नमस्ते। आज की वीडियो में हम उन किसानों के ऊपर बात करने वाले हैं जिन्हें 27 फरवरी को 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 27 फरवरी को दोपहर 3 बजे पैसा DBT के थ्रू किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब देखिए, यहाँ पर बात यह है कि किसानों को आखिर ये नहीं पता है कि ये पैसा DBT के माध्यम से जो फेयर किया गया यानी सेंड किया गया है, ये आखिर DBT क्या होता है। देखिए, जिन किसानों को 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ DBT, क्योंकि DBT उन्हें पता ही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, DBT होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब देखिए, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है ये काम कैसे करता है, यही प्रॉब्लम है किसानों की। तो मैंने अपनी एक वीडियो में एक कमेंट पढ़ा था, उसमें किसी ने मुझे पूछा था कि हम बैंक में गए थे, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, वहाँ पे हमारा आधार कार्ड लिंक निकला है। तो मैं उन्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई, ये जो DBT होता है ये आधार कार्ड को लिंक करना नहीं होता है। आपका ये जो आप बता रही है आधार पेमेंट होता है, ठीक है, लेकिन DBT क्या होता है ये समझ लीजिए। DBT ये काम कैसे करता है सबसे पहले ये बताता हूँ। DBT ऐसे काम करता है, अब देखिए आपके पास 4 बैंक अकाउंट है, ठीक है, 4 बैंक अकाउंट है। अब आपका आधार कार्ड तो एक ही होता है, अब चारों बैंक में ऐसा तो नहीं है कि आपका अलग अलग आधार कार्ड लिंक होगा। तो इसी प्रकार से एक गवर्नमेंट ने एक सर्विस लॉन्च की थी जिसे बोलते हैं हम DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब ये काम कैसे करता है, अब देखिए, आप किसी दुकान पे गए, वहाँ पे आपको पैसे निकालने हैं, तो आप फिंगर लगाओगे और आधार नंबर बताओगे। अब जिस बैंक अकाउंट को बता दोगे उसी में पैसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब गवर्नमेंट को डालना है पैसा आपके अकाउंट में। अब वो आधार बेस पे जो पैसा डाला जाता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि आधार तो हमारा 4 बैंकों में लिंक है। तो भैया, आप गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपके 4 बैंकों में बताशे की तरह से पैसे को बांट देगी। इसके लिए DBT को लॉन्च किया गया था। DBT एक सर्विस होती है, इसे जिस अकाउंट में आप लिंक करा दोगे, जैसे मान के चलिए आपका SBI में अकाउंट अलग है, बैंक ऑफ इंडिया में अलग है, और आपका PNB में अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अलग है। अब 4 बैंक अकाउंट में से आपने, जैसे कि सपोज करिए, SBI में अपनी DBT सर्विस को एक्टिवेट करा दिया, अब गवर्नमेंट कोई भी पैसा डालेगी तो आधार बेस पे DBT के थ्रू, तो वो आपका SBI में आएगा। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में DBT को लिंक करा देते हो तो अब आपका पैसा बैंक ऑफ इंडिया में आएगा। अब देखिए, बहुत से किसानों की प्रॉब्लम ये है कि हम बैंक में गए, वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो DBT को लिंक नहीं कर रहे, वो बोल देते हैं कि आधार कार्ड लिंक है। तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे हो नहीं सकता है, आप किसी भी अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पर जाइए, वहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करा लीजिए। नज़दीकी मार्केट में चले जाइए, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गई, फिनो पेमेंट बैंक हो गई। यहाँ पे मैं सजेशन नहीं दूंगा आपको कि किस बैंक में, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर का ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी बैंक का, यहाँ पे सिर्फ आपको सलाह दे रहा हूँ। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, जगह जगह मिल जाएगी, फिनो पेमेंट बैंक है, जगह जगह मिल जाएगी, पेटीएम पेमेंट बैंक है, फिलहाल इसमें अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं। इन बैंकों में भी DBT की सर्विस मिलती है, आप जाइए तुरंत अकाउंट ओपन कराइए, DBT को लिंक करा दीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। हाँ, लेकिन अब बहुत से किसानों की ये प्रॉब्लम है कि भाई, हमने DBT को लिंक करा दिया है, 2-3 दिन हो गए लेकिन अभी हमारा पैसा नहीं आया है। तो वो भी सुनिए, देखिए, DBT लिंक करने के बाद में, आपने DBT लिंक कर दिया, आपका DBT घंटे 2 घंटे में आपका बैंक अकाउंट में लिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई कोई बैंक ऐसी होती है जिसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं DBT लिंक होने में, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर घंटे 2 घंटे में DBT लिंक हो जाता है जैसे आप फिंगर लगाते हो, ठीक है। अब देखिए, समस्या ये है कि आपने अपने बैंक में DBT करा दिया, आपका DBT लिंक भी हो गया सक्सेसफुली। अब लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने का भी टाइम लग जाए, 2 महीने का भी टाइम लग जाए, हो सकता है 3 महीने का भी टाइम लग जाए। यहाँ पे DBT की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है PM किसान सम्मान निधि पोर्टल पे, जब PFMS दोबारा से आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेगा तो वहाँ पे वो आपके बैंक को एक्सेप्ट करेगा, हाँ आपका DBT लिंक हो गया। अब भैया, जब तक PM किसान पोर्टल जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर अब इसमें DBT की क्या प्रॉब्लम है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आपको यहाँ पे 3 से 4 महीने का वेट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे केस में कि किस्त आने के बाद में बहुत से किसान भाई मेरे पास आए हैं DBT को लिंक कराने के लिए। मेरे पास एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक की CFP ID थी, तो बहुत से लोग आए DBT कराने के लिए, अब उनके पैसे नहीं आए,
उनके पैसे आने में 6-6 महीने भी लग गए। कारण सिर्फ इतना ही होता है, जब तक पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर आपका डेटा जब तक वहां पर कैप्चर नहीं होता है, डीबीटी आपका जैसे पीएफएमएस दोबारा से आपके जो डेटा को स्कैन करेगा, ठीक है, तो जब आपका वहां पर डेटा अफेक्ट हो जाएगा तभी तो आपको उन्हें पता चलेगा कि आपका डीबीटी लिंक है। और आपने डीबीटी लिंक करा दिया लेकिन जब उन्होंने पैसा डाला था तो भैया आपका डीबीटी लिंक नहीं था। जैसे मान के चलिए रिश्तेदार आए, ठीक है, आपके घर पर रिश्तेदार आए, आपके घर पर उन्हें लेटाने के लिए बैठाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब रिश्तेदार आए और चले गए, अब आपने यहाँ पे मान के चलिए बढ़िया सी बिल्डिंग बना दी, अब रिश्तेदार तो यही कहेंगे ना भैया उनके यहाँ पे गए थे, उनके यहाँ व्यवस्था ही नहीं थी। व्यवस्था तो उनके जाने के बाद में हुई है ना आपकी, अब वो दोबारा से आएंगे तभी तो बताएंगे कि हाँ उनकी व्यवस्था अब ठीक हो गई। तो इसी प्रकार से जब आपका वहाँ पे डाटा अफेक्टेड हो जाएगा पीएम किसान पोर्टल पे तो सिंपली आपका पैसा आ जाएगा। इतना जरूर है कि डीबीटी लिंक हो जाएगी, इसके बाद में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपका पैसा फिर एक बार आ जाएगा, फिर कभी नहीं अटकेगा, फिर कंटिन्यू आता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है मेरा बनाने का मकसद था आपको जानकारी देना वो आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।